हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर में हम फोटो केमिस्ट्री की टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एक तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डीएक्टिवेशन पाथवे फॉर एक्साइटेड स्टेट, कि जो आपका मॉलिक्यूल या आपका इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंट्रैक्शन करने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जिसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, तो वहां पे क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में है, दे हैव हाई एनर्जी, तो वहां पे वो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी वापस अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। तो वो कैसे आते हैं, उसके लिए डिफरेंट वेव्स हैं, डिफरेंट तरीके से वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं, वो सारे प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें से जो सबसे पहला प्रोसेस है वो हम रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, कि कौन सा प्रोसेस रेडिएटिव रहते हैं और किस तरह रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस के थ्रू आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आपके इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल वापस आ जाते हैं। द सेकेंड डीएक्टिवेशन प्रोसेस इज नॉन रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस। तो ये दोनों तरीके से आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से, सपोज E1 इज द एक्साइटेड स्टेट एंड E0 इज द ग्राउंड स्टेट, तो आपके एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल वापस आ जाते हैं बाय रिलीजिंग दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इट हैज एब्जॉर्ब फ्र�म गोइंग फ्रॉम E0 टू E1। जो आपकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या यदि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, तो उतना एनर्जी वो रिलीज करके क्या करेंगे, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक ना। तो एनर्जी जितना एब्जॉर्प्शन में आपका एब्जॉर्ब होते हैं, उतना इमिशन में रिलीज होते हैं। तो जो आपका एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम है, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, मिरर इमेज की तरह। नेक्स्ट, और एक इम्पॉर्टेंट छोटा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम स्टॉक शिफ्ट कहते हैं। ये स्टॉक शिफ्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास रूल है काशास रूल करके, इसको भी हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीएक्टिवेशन पाथवेज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला जो डीएक्टिवेशन पाथवे है वो हमारा रेडिएटिव है। तो उसको समझने से पहले हम थोड़ा जेब्लॉस्की डायग्राम, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये जो आपका सारा डीएक्टिवेशन प्रोसेस है, वो आपकी जेब्लॉस्की डायग्राम आपको समझने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमने जेब्लॉस्की डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है, जहां पे आपके मॉलिक्यूल, नाउ सपोज वी हैव मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट, नाउ दिस इज S0 इज द ग्राउंड स्टेट, S मींस सिंगलेट, 0 मींस ग्राउंड स्टेट। क्योंकि जेब्लॉस्की डायग्राम में हमारे पास दो तरीके के सिस्टम रहते हैं, एक आपके सिंगलेट रहते हैं, दूसरा आपके पास ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट रहते हैं, ठीक है ना। तो वंस आपकी मॉलिक्यूल इज, जब ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करने के बाद जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ये मॉलिक्यूल आपकी हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है। S1 में भी जा सकते हैं, S2 में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है, उस पर डिपेंड करके आपकी हायर एनर्जी स्टेट में आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा। तो ये जो एस वाला है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो आपका मॉलिक्यूल जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक ना। अब जी, एक बार जब ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फेनोमेनास यहाँ पे ऑकर होते हैं। कुछ फेनोमेना हमने यहाँ पे, जैसे कि हमने ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे आप पहला आपका जो एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन है वो अराउंड 10 रेज पर उसका लाइफ टाइम है, -15 सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीन से हमने यहाँ पे एरो आपका शो किया हुआ है, वो आपके एब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो येलो लाइन से हमने यहाँ पे दिखाया गया है, उसको हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन या वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, विद इन दी सेम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट द मॉलिक्यूल्स रिटर्न्स टू इट्स फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम द हायर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो S2 से S1, S3 से S1 में आपकी मॉलिक्यूल
वापस चले आते हैं, जिसे हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। और इंटरनल कन्वर्जन में भी आपका एनर्जी थोड़ा क्या होगा, रिलीज होगा। इसका लाइफ टाइम है 10^-14 to 10^-11 सेकंड रहते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लोरिसिन। फ्लोरिसिन सिंपली मीन्स जब आपके फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से जब आपका मॉलिक्यूल वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज करके आते हैं। लेट्स से इट इज रिलीज्ड एच म्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं और इसको हम इमिशन भी कहते हैं। यहीं से हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम राइज होते हैं। फ्लोरेसेंस का लाइफ टाइम होता है आपकी 10^-9 to 10^-2 सेकंड। और फ्लोरेसेंस कब हमें ऑब्जर्व होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में जब आपका मॉलिक्यूल वापस आते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फ्लोरेसेंस मिलता है। द अनदर प्रोसेस ऑकरिंग हियर इज द इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मीन्स व्हेन द मॉलिक्यूल क्रॉस फ्रॉम द सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो जब आपका मॉलिक्यूल यहाँ से फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से अपना स्पिन चेंज करके ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। जब आपका विद इन द सेम एक्साइटेड स्टेट के अंदर जब मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन जब आपका ट्रांसफर होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू भी मॉलिक्यूल वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पिन इन्वर्जन होते हैं, जिसके लिए इसको एनर्जी चाहिए होते हैं। तो ट्रिपलेट का एनर्जी थोड़ा कम होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। और प्रोसेस हमारे पास क्वेंचिंग है, और कुछ हमारे पास नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन प्रोसेस भी है, जो कि आपकी सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं और ट्रिपलेट से भी ग्राउंड स्टेट में वापस इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बट देट आर नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो जब आपका S1 से S0 में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं और जो एनर्जी रिलीज होते हैं उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। लेकिन जब आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। और फॉस्फोरेसेंस का जो लाइफ टाइम है 10^-3 to 10^2 सेकंड होते हैं, इसीलिए फॉस्फोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिन इन्वर्जन होता है उसके लिए टाइम, इसको एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं, तो जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम फॉस्फोरेसिस कहते हैं। तो फ्लोरेसिस और फॉस्फोरेसिस में सिर्फ यही डिफरेंस है, फ्लोरेसिस जब आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्लोरेसिस कहते हैं। लेकिन जब आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में रिटर्न बैक आते हैं, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस या डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसमें से कुछ प्रोसेस हमारा रेडिएटिव प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस हमारा नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। या फर्क इतना है, रेडिएटिव प्रोसेस में जब आपका मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट एनर्जी में रिटर्न आते हैं, उस वक्त आपकी इमिशन ऑफ लाइट या इमिशन ऑफ रेडिएशन होते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जैसे कि आपका इंटरनल कन्वर्जन है या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, ये प्रोसेस वो है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर स्टेट में तो वापस आ जाते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डजंट कंटेन एनी एमिशन ऑफ लाइट या एनी एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस कहते हैं। तो आगे हम इसी को डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेडिएटिव डिके प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस को हम रेडिएटिव डिके प्रोसेस कहेंगे, तो कोई भी ऐसा ट्रांसिशन जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में हो रहा होता है, विच आर एसोसिएटेड विद द एमिशन ऑफ लाइट या एमिशन ऑफ रेडिएशन। कोई ऐसा प्रोसेस जो कि डिफरेंट एनर्जी लेवल के बीच में आपका ट्रांसिशन हो रहा है, बट दैट पर्टिकुलर ट्रांसिशन इफ इट इज एसोसिएटेड विद द एमिशन ऑफ लाइट या एमिशन ऑफ रेडिएशन, सच प्रोसेस इज नोन एज रेडिएटिव प्रोसेस।
तो दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हमारा रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस पाथवे को फॉलो करते हैं. वन इज आवर फ्लोरेसेंस एंड सेकंड इज आवर फॉस्फोरेसेंस. ऑलरेडी हमने फ्लोरेसेंस कहा. फ्लोरेसेंस क्या होता है? इट इज अ रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस. मीन डीएक्टिवेशन होना, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आपका मॉलिक्यूल का रिटर्न आना. बट देट प्रोसेस शुड टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स हैविंग आइडेंटिकल स्पिन मल्टीप्लिसिटी. इट मीन्स अगर हमारे पास सिंगलेट है, दैट इज सिंगलेट एस वन इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट एंड द एस जीरो इज द ग्राउंड स्टेट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट. तो अगर जो प्रोसेस डीएक्टिवेशन प्रोसेस यहां से आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल वापस आ रहे हैं एस जीरो में, क्योंकि दोनों आपकी जो एनर्जी लेवल है उनकी स्पिन क्या है, सेम है, दोनों का सिंगलेट है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसिस. यहाँ पे हमने दिखाया गया है, देखो एस जीरो हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है, एस वन हमारा सिंगलेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट है. तो फ्लोरेसेंस मीन्स जब आपका मॉलिक्यूल रिटर्न होंगे एस वन से एस जीरो में, जब ये फॉर एग्जांपल एस जीरो है और ये एस वन है, तो जब ये यहां से वापस आ जाते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू. एच म्यू जितना हमारे पास, जब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते वक्त जितना एब्जॉर्प्शन दिखाया है, उतना इमिशन के साथ ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं. But the decay process should take place between the energy levels of the same spin multiplicity. S से S में ही आ जाना चाहिए. ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस कहते हैं. तो ये फर्स्ट डिके प्रोसेस है, क्योंकि इस डिके प्रोसेस में आपका लाइट की इमिशन हो रहा है, रेडिएशन की इमिशन हो रहा है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडिएटिव डिके प्रोसेस. क्योंकि यहाँ पे आपका स्पिन दोनों में क्या रह रहा है, सिमिलर रह रहा है, कोई स्पिन में चेंज नहीं हो रहा है, तो इस ट्रांसिशन को हम स्पिन अलाउड ट्रांसिशन भी कहते हैं. ठीक है, तो द सेकंड रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस इज आवर फॉस्फोरेसिस. सो फॉस्फोरेसिस मीन्स डिलेड फ्लोरेसेंस, विच इन्वॉल्व्स द रिवर्सल ऑफ द या इन्वर्जन ऑफ द स्पिन, जिसमें क्या होता है, स्पिन चेंज होता है एस से ट्रिपलेट में, सिंगलेट से ट्रिपलेट में. तो दिस पर्टिकुलर रेडिएटिव प्रोसेस इज यूजुअली स्पिन फॉर्बिडिंग, क्योंकि यहाँ पे स्पिन चेंज हो रहा है, एस से आपकी टी में जा रहा है, तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, तो आपका वन से थ्री में जा रहा है, तो ये स्पिन इनवर्स स्पिन चेंज हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्पिन फॉर्बिडिंग रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस. एंड दिस टेक प्लेस बिटवीन टू स्टेट्स और हैविंग डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी. अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा टी वन है, जब आपका इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड मॉलिक्यूल टी वन से वापस आते हैं एस जीरो में, क्योंकि टी वन का ट्रिपलेट स्पिन है, एस का सिंगलेट स्पिन है, ये जो प्रोसेस हो रहा है टू डिफरेंट स्पिन स्टेट के बीच में हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस एंड इट इज अ स्पिन फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन, या इसको हम डिलेड फ्लोरेसेंस भी कहते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू काशा रूल, रेडिएटिव प्रोसेस यूजुअली ऑकर फ्रॉम द लोवेस्ट वाइब्रोनिक एक्साइटेड स्टेट और एट अ गिवन मल्टीप्लिसिटी. तो काशा रूल ये कहते हैं कि जो आपका ट्रांसिशन होते हैं रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस, वो हमेशा सबसे लोवेस्ट जो आपकी एक्साइटेड स्टेट से ही आपकी आपकी एमिशन लाइट रिलीज करके आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आपकी लोवेस्ट वाइब्रोनिक स्टेट. मीन्स अब आपका एस जीरो इज द ग्राउंड स्टेट, एस वन इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एस टू इज द सेकंड, एस थ्री इज द थर्ड. तो यहाँ पे ये कहते हैं काशा जुल की जो आपका रेडिएटिव प्रोसेस है वो हमेशा जो लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट है, अब ये एस वन एस टू एस थ्री हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें भी जो सबसे लोवेस्ट आपका एक्साइटेड स्टेट है दिस इज एस वन. तो एस वन से ही आपका क्या होगा, एस जीरो में आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल वापस आएंगे. उसी तरह आपकी टी वन है, टी टू है, टी थ्री, तो जो आपका काशा जूल के अकॉर्डिंग जो आपका रेडिएटिव प्रोसेस होता है वो हमेशा लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज टी वन से एस जीरो में ही आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल वापस आ जाए. ठीक है ना, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रिक्ट रूल, देयर आर सम एक्सेप्शंस व्हिच वायलेट दिस काशा रूल. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रेडिएटिव डीके प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं. ठीक है,
तो ये आपका पहला है। सेकंड पाथवेज आर द नॉन रेडिएटिव पाथवे, तो जो प्रोसेस दैट ट्रांसलेशन व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में तो वापस आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें कोई इमिशन ऑफ लाइट या इमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम नॉन रेडिएटिव डीके प्रोसेस कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट नॉन रेडिएटिव डीके प्रोसेस हमारे पास है, एक को हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं, दूसरा हमारे पास इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। ठीक है, तो इंटरनल कन्वर्जन सिंपली मींस क्या होता है, यहाँ पे आपका इंटरनल कन्वर्जन में जो आपकी सिमिलर स्टेट के डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट के बीच में आपका ट्रांसलेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव S1, S2, S3, तो S3 से S1 में आना, S2 से S1 में आना, क्योंकि यही हमारे क्या है लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो जब आपकी सिमिलर स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आपकी स्टेट्स के एक्साइटेड स्टेट्स के बीच में जब आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। सो दिस इंप्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इनटू वाइब्रेशनल एनर्जी। तो क्योंकि हर एक आपकी से एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट्स होते हैं। आप देखो S0 के अंदर ये सारे वाइब्रेशनल स्टेट है, S1 के अंदर ये सारे वाइब्रेशनल स्टेट है। तो ये वाइब्रेशनल स्टेट एक दूसरे के साथ क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आपका ओवरलैप होते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू न्यूक्लियर टनलिंग। अब ये जो विद इन द सिस्टम जब आपका इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं, वो टनलिंग प्रोसेस के थ्रू होते हैं फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट पोटेंशियल सर्फेस टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट। स्ट्रॉन्ग ओवरलैप ऑफ वाइब्रेशनल वेव फंक्शन इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस सिंस बैक टनलिंग कैन ऑल्सो रेडिली अकर। फास्ट वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस डीएक्टिवेशन पाथवे। तो ये जो आपकी इंटरनल कन्वर्जन डीएक्टिवेशन प्रोसेस है, इसके लिए आपका फास्ट वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का होना जरूरी है। अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, बैक टनलिंग होगा, इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। और ये जो इंटरनल कन्वर्जन है, दिस इंटरनल कन्वर्जन इन्वॉल्व्स does not involve any release of the energy, so this particular process is known as non-radiative. इसमें कोई radiation emit नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड नॉन रेडिएटिव प्रोसेस इज आवर इंटर सिस्टम। इंटर सिस्टम मीन्स जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसेक्शन ऑकर होते हैं बिटवीन टू डिफरेंट स्पिन स्टेट। अब S1 से T1 में जाना, सो दिस आर टू डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी एनर्जी स्टेट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखो ये S0 आपका ग्राउंड स्टेट है, S1 इज द फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, T1 इज द फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं S1 से, जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा S1 से T1 में, ज्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, बट दैट एनर्जी डजंट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और रेडिएशन। सो दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड इज द नॉन रेडिएटिव डीके प्रोसेस। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरनल कन्वर्जन व्हिच टेक प्लेस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट एंड अनदर एक्साइटेड स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ साइमल्टेनियस स्पिन फ्लिप, क्योंकि आपका सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाना है, स्पिन फ्लिप होगा यहाँ पे। वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू अवॉइड क्रॉस बैक टू द इनिशियल सिस्टम। T1 से फिर S1 में जाने के लिए आपका यहाँ पे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन का होना जरूरी है, अदरवाइज ये रिवर्स प्रोसेस भी यहाँ पे हो सकता है। तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हमारे लिए यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा बैक क्रॉस ओवर नहीं हो सके, वापस ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल नहीं चला। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपका होता है विदाउट रिलीज ऑफ एनर्जी या विदाउट एनी रिलीज ऑफ रेडिएशन। तो
इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, नॉन रेडिएटिव डीएक्टिवेशन प्रोसेस कहते हैं। डीएक्टिवेशन प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो एनर्जी, हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है वो डीएक्टिवेट होके लोअर एनर्जी वाले स्टेट में आपका रिटर्न आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम डीएक्टिवेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमारा था डीएक्टिवेशन पाथवेज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट या एक्साइट मॉलिक्यूल, या हम कह सकते हैं इसको फेड ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी कहते हैं, कि एक बार जब आपका एक मॉलिक्यूल एक्साइटेड एक्साइट हो जाते हैं तो उसका फेट क्या होगा, उसके बाद उसके साथ क्या होगा। तो ये दो प्रोसेस के थ्रू आपका मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स एफ। ये छोटा सा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है। स्टॉक शिफ्ट का क्या मतलब है? तो स्टॉक शिफ्ट इज द डिफरेंस, सिंपली याद रखना है, इज द डिफरेंस एदर इन वेवलेंथ फॉर्म और इन फ्रीक्वेंसी, किसके बीच में, बिटवीन पोजिशन ऑफ द बैंड मैक्सिमम ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसिशन। अब हमने यहाँ पे कहा कि जब आपके पास कोई भी, ये आपका एक ग्राउंड स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल एस जीरो, ये आपका है एस वन एक्साइटेड स्टेट। तो हमने कहा जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या चला जाता है, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ज्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांसिशन फ्रॉम एस जीरो टू एस वन इट इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी। लेकिन हमने कहा ये जो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं तो ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, रेडिएटिव है नॉन रेडिएटिव है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो हमारा रेडिएटिव प्रोसेस है। रेडिएटिव मीन्स विच इन्वॉल्व्स द इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये वापस जब आते हैं ये सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करके आते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांसिशन है इसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी मिलेंगे, इसके लिए आपको इमिशन स्पेक्ट्रम भी मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तभी मिलेंगे जब ये आपका एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, इमिशन इसलिए मिलेंगे क्योंकि ये वापस आते वक्त सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रिलीज करते हैं। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन के लिए है, ये हमारा इमिशन के लिए है। लेकिन जब हम इन दोनों पीक्स को देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट रहता है बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन, व्हेन दिस इमिशन एब्जॉर्प्शन हमेशा अपियर होते हैं टुवार्ड्स हायर हायर वेव लेंथ। जो आपका एब्जॉर्प्शन रहता है दिस पीक स्लाइटली प्रेजेंट एट लोअर वेवलेंथ। तो इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट आया है दैट इज द शिफ्ट बिटवीन द पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन। इसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन के लिए जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम की बैंड मैक्सिमा में जो शिफ्ट आते हैं इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है ना, अब ये देखो अगर आपके पास एक छोटा सा स्मॉल स्टॉक शिफ्ट है इज इंडिकेटिव ऑफ ए रिजिड मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल इंडिकेट करते हैं कि मॉलिक्यूल रिजिड है, इसकी बॉन्ड लेंथ में ज्यादा चेंज नहीं आते हैं, विद लिटिल चेंज इन द इक्विलिब्रियम न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन इन द ग्राउंड एंड द एक्साइटेड स्टेट। जब आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो अगर आपके एब्जॉर्प्शन और इमिशन बैंड मैक्सिमा में ज्यादा शिफ्ट नहीं होते इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन में या इक्विलिब्रियम जो बॉन्ड लेंथ है उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, इट मींस योर मॉलिक्यूल्स आर रिजिड। सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्टॉक शिफ्ट हैव इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जिसमें आपका शिफ्ट ज्यादा होता है इनका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसमें आपका ऑप्टिकल ब्राइटनर है या इनविजिबल इंक है जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड इमिट करते हैं इन द विजिबल रीजन। तो जहां पे ज्यादा आपका स्टॉक शिफ्ट रहता है उसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है वहां उनकी इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा चेंज एब्जॉर्ब ऑकर होते हैं। तो स्टॉक शिफ्ट से हम रिजिडिटी और नॉन रिजिडिटी भी पता कर सकते हैं और इससे हम उसके मॉलिक्यूल में कितना आपके एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम में शिफ्ट आता है बैंड मैक्सिमा में वो भी हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है, ये आपका एब्जॉर्प्शन है, ये आपका फ्लोरेसेंस में, ये आपका इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब ये यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में जो शिफ्ट है इसी को ही हम क्या कहते हैं,
स्टॉक शिफ्ट कहते हैं, और फॉस्फोरेसिन से इन दोनों के बीच में भी जो शिफ्ट है उसको भी हम स्टॉक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक शिफ्ट एक सिंपल सी कंसेप्ट है जो कि आपके डिफरेंस को बताता है बिटवीन द बैंड मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन। लेकिन उसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशन के बीच में जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बीच में जो शिफ्ट आते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक शिफ्ट। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसे हम क्या कहते हैं, काशास रूल कहते हैं, जो कि आपकी इसी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड मॉलिक्यूल के फेट को आपको बताता है कि कैसे आपका एक्साइटेड स्टेट से आपकी जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन है वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो काशास रूल इज अ प्रिंसिपल इन फोटोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल। ये क्या कहते हैं, द रूल स्टेट्स दैट फोटोन एमिशन, ये रूल क्या कहते हैं आपकी फोटोन एमिशन के बारे में कहते हैं, एंड कहते हैं एदर फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये हमारा रेडिएटिव प्रोसेस है, ऑकर्स इन अप्रिशिएबल यील्ड ओनली फ्रॉम द लोअर एक्साइटेड स्टेट ऑफ ए गिवन मल्टीप्लिसिटी। तो ये कहते हैं कि आपका जो फोटोन इमिशन है, फ्लोरेसेंस हो या फॉस्फोरेसेंस है, वो सबसे अप्रिशिएबल अमाउंट में सिर्फ आपकी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द गिवन मल्टीप्लिसिटी से ही होते हैं। क्या मतलब है, सपोज हमारे पास ये है एक ग्राउंड स्टेट, ये मेरे पास है एस जीरो, एस जीरो कंटेन्स ए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट, इसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, आपने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोवाइड किया, इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट है, सपोज दिस इज माई एस वन एक्साइटेड स्टेट, इसमें भी बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट है, एंड मेरे पास दूसरा एक्साइटेड स्टेट है S2 एंड सोन, और इस तरह आपके पास क्या होगा, बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट होंगे। तो कहता क्या है कि जब आपका ये मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर सकते हैं एदर S1 में, और ये मॉलिक्यूल S2 में भी जा सकते हैं, S3 में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका वेवलेंथ कितना है या इसने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एच म्यू, तो फॉर एग्जाम्पल एच म्यू यहाँ पे है, एच म्यू टू यहाँ पे जा रहा है, अगर इतना एब्जॉर्प्शन करते हैं तो आपका मॉलिक्यूल किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से आपका फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस, सिमिलरली यहाँ पे आपका ट्रिपलेट स्टेट भी है, ठीक है, तो जब ये मॉलिक्यूल आपका वापस आ जाते हैं फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, अब ये S0 से S में आना एच म्यू डैश को रिलीज करके, तो ये कहते हैं कि आपका इमिशन, ये आपका चाहे फ्लोरेसेंस हो चाहे फॉस्फोरेसेंस हो, सिर्फ जो फर्स्ट या लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट, लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट मीन S1 और T1, हायर एक्साइटेड स्टेट में S2, S3, S4, T2, T3, T2, T3, T4, तो ये कहते हैं एमिशन आपकी सबसे जो अप्रिशिएबल अमाउंट में सिर्फ आपकी लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट से ही होगा, हायर एक्साइटेड स्टेट से नहीं होगा। तो यहां से S1 से जब आपका मॉलिक्यूल वापस आते हैं S0 में थ्रू द रिलीज ऑफ एच म्यू डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिमिलरली T1 से जब आपका S0 में आएंगे थ्रू द प्रोसेस बाय रिलीजिंग एनर्जी, ये आपका फ्लोरेसेंस है, ये आपका फॉस्फोरेसेंस है, तो आपका जो इमिशन स्पेक्ट्रम है या जो आपका इमिशन है वो सिर्फ आपकी अप्रिशिएबल अमाउंट में तभी ऑकर होते हैं जब ये इमिशन होते हैं आपकी लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट इज S1 से S0 में और T1 से T2 में, S2 से S0 में आना, T2 से T20 में आना, इनसे इनके थ्रू जो इमिशन होता है वो उतना अप्रिशिएबल अमाउंट में नहीं होते हैं, और इस प्रोसेस को जब S1 से S0 में आते हैं इसको हम काशास कहते हैं, काशास फ्लोरेसेंस या काशास इमिशन कह सकते हैं, S2 से जब S0 में आते हैं इनको हम यूजुअली एंटी काशास इमिशन कहते हैं, तो ये अप्रिशिएबल भी नहीं होते, इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड आपके S1 से S0 या T1 से T0 वाले आपके ट्रांसलेशन का ही अप्रिशिएबल यील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी प्रपोज किया गया था मैचल काशा ने इन 1950, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द रूल इज रिलेवेंट इन अंडरस्टैंड द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपॉन एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ए मॉलिक्यूल इन इट्स ग्राउंड स्टेट S0 में, डिपेंडिंग अपॉन द फोटोन वेवलेंथ बी एक्साइटेड टू एनी सेट ऑफ हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, तो किसी भी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जा सकते हैं।
S1, S2, S3, etc. However, according to Kasha's rule, photon emission is expected in appreciable yield only from the lowest excited state. Lowest means, yeah, S1, yeah, T1. Since only one excited, one state is expected to yield the emission, it can also be said that the emission wavelength is independent of the excitation wavelength. So, ye jo emission wala wavelength hai, ye aapki जो आपके इंसिडेंट वाले वेवलेंथ पे इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम बनना है वो सिर्फ आपकी लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट से जो इमिशन होता है वही आपको एप्रिशिएबल यील्ड में इमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करेंगे, बाकी सारे इमिशन आपके स्पेक्ट्रम में कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं करते हैं. तो काशा रूल यही कहते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की फेट को डिटरमिन करता है या फेट को पता. ठीक है, तो ये आपका काशा रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फोटोकेमिस्ट्री में, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल की एमिशन के बारे में हमें पता. ठीक है, तो ये था हमारा क्या क्या हमने समरी में पढ़ा. हमने आज पढ़ा डिकेस पाथवे, जिसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पाथवे था, एक आपके पास रेडिएटिव पाथवे था, दूसरा आपके पास नॉन रेडिएटिव पाथवे है. रेडिएटिव में जिसमें एनर्जी या रेडिएशन रिलीज होते हैं, नॉन रेडिएटिव में जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होते. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, स्टॉक शिफ्ट पढ़ा जो कि बैंड मैक्सिमा ऑफ द एमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बीच में जो जो गेप है उसको हम स्टॉक शिफ्ट कहते हैं. लास्ट में हमने काशा रूल पढ़ा जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट से जो इमिशन प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होगा और किस चीज पर डिपेंड करेंगे वो हमें बताता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिके पाथवे, योर स्टॉक शिफ्ट एंड योर काशा. तो आज यहीं पे हम खत्म करते हैं. थैंक यू.